आज के क्लास एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा बरसाओ, अपनी करुणा बरसाओ। परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा बरसाओ, अपनी करुणा बरसाओ। सब संसार हम सब हैं पापी, पाप हटे मन का। आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु। परमेश्वर, संत मार्कुस के सुसमाचार के एक घटना हम देखें। एक दिन ईसा लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। उस समय कुछ लोग एक अर्ध रोगी को चारपाई पर उठाकर वहां आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के पास नहीं ला सके, इसलिए उन्होंने घर के ऊपर चढ़कर छत खोल दी और अर्धक रोगी को चारपाई समेत ईसा के पास उतार दिया। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धक रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सभी के देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। अपने सार्वजनिक जीवन काल में बहुतों को चंगाई प्रदान की। रोगियों को चंगा प्रदान करने की शक्ति ईसा में थी। कोटी, अंधे, बहरे आदि नाना प्रकार के रोगी ईसा की शरण में दौड़ आते थे और ईसा उन्हें स्पर्श किया और अनुग्रह एवं सौख्य प्रदान किया। अशुद्ध आत्मा से पीड़ित कई लोगों को भी प्रभु ने चंगा दिया। अपने सार्वजनिक जीवन में ईसा ने किन किन लोगों को चंगाई किया? कोटी, अंधे, बहरे और
अशुद्ध आत्मा से पीड़ित रोगियों को यीशु ने चंगाई प्रदान की। प्रेरितों के जरिए ईसा ने जो अधिकार दिए थे उसके आधार पर आज कलीसिया में रोगी लेबन संस्कार दिया जाता है। चंगा करने का दायित्व स्वीकार कर प्रेरितों ने रोगियों पर तेल लगाकर प्रार्थना करने की रीति जारी रखी। संधियुक्त याकूब अपने पत्र में कहते हैं, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलोपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचा लेगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिले। किसी कहते हैं रोगी लेबन संस्कार। रोगी लेबन वो संस्कार है जो पाप मोचन एवं रोग मुक्ति देकर हमारी आत्मा और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। रोगी लेबन वो संस्कार है जो पाप मोचन एवं रोग मुक्ति देकर हमारी आत्मा और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। रोगी लेबन संस्कार की मुख्यता आत्मा और शरीर के पवित्रीकरण, पाप क्षमा एवं चंगाई, हेतु हस्तारोपण प्रार्थना तथा पवित्र तेल का लेपन होते हैं। रोगी लेपन संस्कार की मुख्यता आत्मा और शरीर के पवित्रीकरण, पाप क्षमा एवं चंगाई, हेतु हस्तारोपण प्रार्थना तथा पवित्र तेल की लेपन होते हैं। रोगी के माथे, आंखों व कानों, मुंह, हाथों और पैरों पर पावन तेल लगाते हुए याचक ईश्वर की दया के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा रोगी की तकलीफें ईसा के दुख भोग के साथ सहने की शक्ति के लिए भी याचक विनती करते हैं। इस प्रकार रोग और उसका दर्द स्वीकार करने की शक्ति एवं ईश्वर की इच्छा हो तो रोग मुक्ति भी रोगी लेबन का संस्कार प्रदान करते हैं। प्रभु ईसा ने कहा कि निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु की कलीसिया रोगियों के प्रति दयालु है। रोगियों के आध्यात्मिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती है और कार्य भी करती है। रोगियों के लिए प्रार्थना करना, उनसे मिलकर दिलासा देना और उनकी सेवा शुश्रूषा करना आदि रोगियों के प्रति हमारा क्रिस्तीय दायित्व है। रोगियों के प्रति हमारे क्रिस्तीय दायित्व क्या क्या है? रोगियों के लिए प्रार्थना करना, उनसे मिलकर दिलासा देना और उनकी सेवा शुश्रूषा करना। रोगियों से मिलने जाते समय हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारी भेंट तथा प्रार्थना से रोगियों को सांत्वना व शक्ति मिलती है। जब हम बीमार हैं तब चंगाई दाता प्रभु ईसा से विनती करने का भी हमें ध्यान रखना है। Thank you.
हम प्रार्थना करें। हे सौख्यदाता ईसा, हमें यह कृपा दीजिए कि हम रोगियों और दुखी जनों के प्रति दया दिखाएं व उनके लिए प्रार्थना करें।